तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस जो ये रोड देख रहे हो, ये मक्का रोड है। अभी फ़िलहाल मैं ताकासुशी से जा रहा हूँ, 2 नंबर से यानी होकते हुए मैं जा रहा हूँ 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर तक, यानी बदिया सुवेदी साइड में जा रहा हूँ। तो मैं सोचा आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। ये रियाद का 2 नंबर से मैं निकला हूँ अभी और जा रहा हूँ बदिया सुवेदी के साइड। तो वीडियो में गाइस बने रहिए, आपको हम वीडियो जो दिखा रहे हैं देखते रहिए और अपना प्यारा सा एक कमेंट हमारे चैनल में कर दीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं या फिर सऊदी अरब या किसी भी सिटी में चला रहे हैं तो ये बात ध्यान रहे, आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल हाथ में ना लें। जब भी आप हाथ में मोबाइल लेंगे तो यहाँ पे जगह जगह पे एग्जिट पे रोडों पे कैमरा लगाए गए हैं अभी मोबाइल के लिए, स्पीड के लिए। तो आपको फाइन आ जाएगा, ग्रामा आ जाएगा, तो आपको पे करना पड़ेगा गाइस। तो ये जो मैं चल रहा हूँ ये मक्का रोड है, ये इसको मक्का रोड बोलते हैं। इस ये जा रहा हूँ मैं अभी सुवेदी में, सुवेदी बदिया साइड में जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं 2 नंबर पे हूँ तरैया साइड में। तो आप देख सकते हैं मैं उधर से आते हैं तो उस साइड जाम लगा रहता है, ट्रैफिक लगा रहता है। आपको अभी वीडियो में देखने को भी मिलेगा कि उस साइड कितना ट्रैफिक है, इस साइड नहीं है। देखिए काम चालू है यहाँ पे, ये हाईवे है यहाँ पे। ये रोड का स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर है और 120 की स्पीड में चल सकते हो आप इस रोड के ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। उससे ज़्यादा आप चलोगे तो आपको फाइन और ग्रामा दोनों आएगा। ग्रामा में ही जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ग्रामा ये अरबी लैंग्वेज है, फाइन तो आप समझ ही रहे हो, फाइन आ जाएगा। तो जो भाई हमारे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, चाहे श्रीलंका या किसी भी अदर कंट्री से आ रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि भाई गाड़ी स्पीड में ना चलाएं, स्लो चलाएं, फाइन भी नहीं आएगा। तो मैं गाड़ी इस पे अभी फिलहाल मैं 110 का चल रहा हूँ क्योंकि रोड खाली है और ट्रैफिक नहीं है उतना, इसके वजह से मैं चल रहा हूँ। ट्रैफिक रहता तो स्लो चलता। ये आप देख सकते हैं साइड में पहाड़ काट काट के यहाँ पे रोड बनाए गए हैं। पहाड़ जो होता है यहाँ पे, ये साइड में आपको जो दिख रहा है ये पहाड़ है, सब काट के इसको हाईवे बनाया गया है और एक दूसरे रोड को जोड़ा गया है। यहाँ पे ड्राइवरी लाइन में सबसे ज्यादा इंडियन भाई है हमारे हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे और कंट्री आते हैं, लेकिन थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंडियन भाई हमारे ड्राइवरी करते हैं, इंडिया का ज़्यादातर ही ड्राइवर होते हैं और अदर कंट्री के सब अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग अपना उनका जॉब है। और गाड़ी की बात ही क्या करें, यहाँ पे गाड़ी तो इतनी वी आई पी है गाइस कि आप देखोगे तो कहोगे वाह क्या सऊदी में गाड़ी चलते हैं और कितने वी आई पी यहाँ पे गाड़ी रहते हैं। देखिए इस साइड में कितना स्पीड से जा रहा है भाई, इसको कैमरे का डर नहीं है। हाँ सऊदी जो है उनको कैमरे और ड्राइवरी लाइन में मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। जो हमारे भाई ड्राइवरी लाइन में आ रहे हैं सऊदी अरब में या कतर, कुवैत, मस्कत, तो उनको पता चलेगा किस तरह से वहाँ गाड़ी चलाया जाता है, किस तरह से सैलरी होता है, किस टाइप से बातें किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश चलता है और अरबी लैंग्वेज और पढ़ाई भी यहाँ पे जो बोर्ड होते हैं, जो लिखे रहते हैं कि हमको एग्जिट निकलना है, उस पर भी अरबी में और इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में नहीं लिखा रहेगा। और गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला है उस पर 120 चल रहा है, जो सेकंड वाला है उस पर 110-100 चल सकते हैं, उसके बाद थर्ड वाला जो है उस पर आप 80 से ऊपर ही चल सकते हैं, 80 भी चल सकते हैं। अभी जो सामने वाला जा रहा था उसको कैमरा मार दिया है, अब वीडियो में मालूम नहीं शूट हुआ है कि नहीं हुआ है, फ्लैश मारा है उसको, 120 से ऊपर था, मैं 110 था। मेरे को मालूम है इस रोड पे कहाँ कहाँ कैमरा है क्योंकि मेरा रूटीन है आना जाना रोज का, तो
तो मैं इस पे, मेरे को मालूम है किस जगह पे कैमरा है किस जगह पे नहीं है। किसी जगह पे रहे ना रहे, हम तो अपने लिमिट से ही चलते हैं। सऊदी है देखो, आगे वो लैंड क्रूजर वाला था, उसका अभी कैप्चर हुआ है वीडियो में, नहीं पता नहीं है मेरे को, फ्लैश मारा है उसको, कैमरा भी मार दिया, स्पीड कैमरा मारा है उसको, अभी फाइन आएगा। तो सऊदी है, उनको नहीं कोई फर्क पड़ने वाला, हम अजनबी आदमी है, हम अपने लिमिट से ही चले भाई। जो भी हमारा वीडियो अजनबी देख रहे हैं तो अपना लिमिट से चले, क्योंकि हम दो पैसा कमाने आए हैं, हम यहाँ पे देने नहीं गंवाने नहीं आए हैं, तो लिमिट से चले और हम भी सुरक्षित रहेंगे, गाड़ी भी सुरक्षित रहेगा, हमारा सैलरी भी पूरा बचेगा। नहीं तो फाइन आ जाएगा, जब हम स्पीड में चलेंगे तो फाइन आएगा, तो मालिक जो है यहाँ का, जिसके पास हम काम कर रहे हैं, वो तुरंत हमारे सैलरी से कट कर देगा, काट लेगा तुरंत, यहाँ पे माफ नहीं करते हैं। अभी ऐसा माहौल हो गया है कि यहाँ पे जल्दी कोई ग्रामा ग्रामा जैसे फाइन आ गया तो छोड़ते नहीं है, तुरंत सैलरी से काट लेते हैं। तो जब भी आपको स्लो चलना है तो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे चले, फर्स्ट पे ना चले, फर्स्ट पे क्योंकि 120 का लिमिट है, 110-15 जो सऊदी है 140-50 तक भी चलाते हैं। अभी जो बड़ा वाला कुबरी देख रहे हो, कुबरी उसको बोलते हैं, ब्रिज को बोलते हैं, तो ये जो आप बड़ा वाला देख रहे हो ये कुबरी मोहल्लक बोलते हैं, रियाद में है कुबरी मोहल्लक, ये रियाद का नंबर वन ब्रिज है ये, और बहुत बड़ा ब्रिज है ये। इस पे देख सकते हैं आप केबल लगाएंगे, केबल के ऊपर ये ब्रिज रुका हुआ है। इस पे अभी फिलहाल फ्री है, ट्रैफिक नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। और ये बहुत ऊपर बना है, इसके नीचे खाई है पूरा, बहुत ऊपर है ये। इस कुबरी का नाम, यानी इस ब्रिज का नाम कुबरी मोहल्लक बोलते हैं, हमने यही सुना है और यही जाना है। अब अरबी में सऊदी लोग क्या बोलते हैं अब मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन ज्यादातर यही बोलते हैं सऊदी भी, और हमारे अजनबी भाई भी जो परदेश में है, यहाँ पे है जो सऊदी अरब में रियाद में, वो भी यही बोलते हैं, मोहल्लक कुबरी, मोहल्लक कुबरी। तो गाइस देखिए, अभी मैं 31 नंबर पे आ गया हूँ, एग्जिट 31 पे, यानी 31, और उस साइड आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है उस साइड, अभी इतना ट्रैफिक है कि आपको ये जो कुबरी, अभी मैं ब्रिज जो दिखाया हूँ उधर तक आपको आने में आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा, आप ज्यादा पीछे हो तो, क्योंकि यहाँ पे वो जो यहाँ पे देखिए, इस गाड़ी में ऊंट भी रखे हैं, ऊंट भी जा रहे हैं कहीं पे लोडिंग होके, और यहाँ पे ज्यादातर खजूर का ही पेड़ लगाए गए हैं, जो हाईवे हैं, जो छोटे जो गली हैं उसमें ज्यादातर खजूर के ही पेड़ लगाए गए हैं, जो गली अंदर सिटी के अंदर उसमें दूसरा कोई पेड़ लगा दिया जाता है, लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे ज्यादातर खजूर का ही पेड़ लगाया रहता है गाइस, और अच्छा लगता है देखने में, खूबसूरत लगता है, दोनों साइड हाईवे तो बीच में खजूर का पेड़, अच्छा लगता है देखने में। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा होगा। अभी गाइस मैं पहुंच गया हूं एग्जिट 28 पे, यानी 28 पे पहुंच गया हूँ। मदीना रोड है ये, तरीक मदीना इसको बोलते हैं, और उस पर मेट्रो का कुबरी भी है, मेट्रो का ब्रिज भी है, तो ये 28 नंबर एग्जिट है। जरूर कमेंट में हमारे कमेंट कीजिए कि इंडिया में पीसीसी बंद है क्या, क्योंकि पीसीसी मैं सुन रहा हूँ बहुत लोगों ने बोला है कि पीसीसी गवर्नमेंट इंडिया का बंद कर दिया है, तो बहुत हमारे अजनबी भाई और गरीब भाई जो सऊदी अरब आना चाहते थे वो अभी फंस गए हैं पीसीसी के चक्कर में, पीसीसी नहीं हो रहा है, वो कितने लोग ऑनलाइन करके डेट निकाल के भी बैठे हुए हैं, लेकिन पीसीसी इंडिया ने कुछ टाइम के लिए चालू किया था, फिर उसके बाद बंद कर दिया। अभी
अभी बहुत लोग बैठे हुए हैं, परेशान हैं, तो जरूर आप कमेंट करना कि इंडिया में पीसीसी कहीं पे चालू है या फिर बंद हो गया है। जरूर हमारे इनबॉक्स में कमेंट करना आप। और गाइस, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर किया करें और हमारे फैमिली मेंबर में जुड़ जाएं आप। ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता रहूंगा गल्फ कंट्री का। घर बैठे आप देखते रहिए, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो देख के अपना कमेंट जरूर करना गाइस। अभी ये जो देख रहे हो साइड में, ये सलाम मॉल है। ये सलाम मॉल जो है ये भी बहुत फेमस मॉल है। इसके अंदर पंडा है, सलीमा हॉल है सलाम मॉल के अंदर। ये मेरे घर के पास में ही पड़ता है, मेरे घर से जहाँ पे मैं हूँ अभी ये 25 नंबर पे सलाम मॉल पड़ता है। इबे से अभी मैं एग्जिट हो गया हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को 25 नंबर पे ही रहता हूँ मैं, तो 25 नंबर से मैं एग्जिट हो गया हूँ अभी। और दूर देखिए, अभी ये जो मेला लगा था झूला बंद हो गया है, ये दूसरा मेला है। मेरे वीडियो में एक, आप वीडियो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, वो दरैया मेला है, और ये सुवेदी बदिया का मेला था, तो ये भी बंद हो गया। देख सकते हैं झूला बंद है, इधर पूरा उखाड़ उखाड़ के ये लोग लेके चले गए हैं, झूला बस छोड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे सीजन आएगा तो मेला लगेगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, सिग्नल ग्रीन होगा तो फिर मैं आगे जाऊँगा गाइस। और ये मस्जिद है 25 नंबर पे, जो भी रहते हैं आते होंगे तो ये मस्जिद उनको याद होगा। देख सकते हैं इतना प्यारा मस्जिद है ये, और इसके बगल में ही कारपोर है। अभी मैं अपने गली में आ गया हूँ जहाँ पे रहता हूँ। ये होटल है गाइस, यहाँ पे जा लेते हैं, नाश्ता करते हैं। और यहाँ का ये 10 रुपए है, यानी रियाल है, 10 रियाल है। इंडिया का ये हो गया लगभग, मान के चलो आप 220 रुपए हो गया ये। ये 10 रियाल है सऊदी अरब का, यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हो। ये 200 रुपए है, इसमें से मैं 4 रियाल में फुल नाश्ता कर लूँगा, यानी 4 रुपए में। देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से है।